आज कक्षा में सामान्य ज्ञान का विषय है, आम के विषय में अद्भुत जानकारियाँ। शिक्षिका ने एक सप्ताह पूर्व बालकों को आम के विषय में सामान्य और विशेष प्रत्येक प्रकार की रोचक व अद्भुत जानकारी जुटाने का कार्य सौंपा था। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं, बालक उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, बालकों को देखकर मुस्कुराते हुए, बैठ जाइए। सब बच्चे बैठ जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि आज सामान्य ज्ञान का विषय क्या है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि आज के लिए सामान्य ज्ञान का विषय क्या बताया गया था? अनेक बच्चे हाथ उठाते हैं। राकेश, आप बताइए। आज के सामान्य ज्ञान का विषय है आम के विषय में अद्भुत जानकारियाँ। शाबाश। अच्छा, किस किस ने ऐसी जानकारियाँ एकत्र की हैं? अनेक बच्चे हाथ उठाते हैं। मनोहर, आपसे ही शुरू करते हैं। जी, मैं आम के पर्यायवाची शब्दों को याद करके आया हूँ। आम को अमृत फल, रसाल, आम्र, अलीप्रिय, पिक प्रिय, पिक बंधु, पिक वल्लभ, पियाम्बू, शुक प्रिय, सहकार, सुमदल आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। शाबाश, आप बैठ जाइए। अजय, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी दीदी, आम के मूल स्थान भारत, म्यांमार और थाईलैंड हैं। आम की अनेक जातियाँ व प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं के अनुसार आम के असंख्य नाम हैं। आमों की किस्म का नामकरण उसके रूप, रंग, आकार, स्वाद, गंध आदि पर किया जाता है। ये नाम हैं गुंडू, करेलिया व तोतापरी, जो रूप के आधार पर हैं, सिंदूरिया, सुवर्ण रेखा, सफेदा व जाफरान, रंग के आधार पर हैं, सोफिया, गंध के आधार पर, तथा शरबती, दूधिया, अतिमधुरम व मिठवा नाम स्वाद के आधार पर हैं। शाबाश, बैठिए। नेहा, आप भी कुछ बताएंगी? जी दीदी, अमीर खुसरो ने आम को हिंदुस्तान के फलों का राजा कहा है। उद्यानों और वृक्षों में रुचि रखने वाले मुगल बादशाहों ने भी आम को बहुत ही पसंद किया है। उन्होंने इसके बड़े बड़े बाग लगवाए और तरह तरह की किस्में निकाली। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार अकबर को आम इतने पसंद थे कि उसने दरभंगा में विभिन्न जातियों के आम के बड़े बाग लगवाए, जो लाखी बाग के आम नाम से जाना जाता था और भारत के सबसे बड़े आम्र कुंजों में से एक था। प्रसन्न होकर, वाह, आज तो सभी बच्चे बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। हाँ सुमन, आप क्या बताएंगी? दीदी, आम के संबंध में पौराणिक आख्यान है कि एक बार मनु ने सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा से निवेदन किया, भगवान मधुर रस से युक्त ऐसा फल दीजिए जिसमें फूलों की सुगंध हो, फलों की मिठास हो और अन्नों की पौष्टिकता हो, साथ ही वह धनी निर्धन सभी को सुलभ हो। ब्रह्मा ने एक मस्तु कहकर अपने कमंडल से कुछ बूंदे पृथ्वी पर टपका दी। कुछ ही समय पश्चात उस स्थल पर आम की कोपले फूटी। नन्नी नन्नी कोपले देखकर नर नारी आनंदित हो उठे। तभी से आज तक आम राजा रंक सभी को प्रिय है। अरे वाह, बहुत अच्छी जानकारियां जुटाई हैं आप सबने तो। स्मिता, आप क्या बताएंगी? राजा अशोक ने फल देने वाले छायादार वृक्षों को मार्गों पर लगवाया। उन्होंने आम के वृक्ष को सर्वप्रथम चुना। गोवा के पुर्तगाली शासकों को आम विशेष रूप से पसंद थे। पायरी नामक आम की एक किस्म के विकास का श्रेय
कलम तैयार करने की उन्हीं की कुशलता को जाता है। अल्फांसो जाति को द अल्फांसो नामक व्यक्ति ने खोजा था। आम आजकल अंतरराष्ट्रीय फल हो गया है। शाबाश अलका, आप क्या बताएंगी? दीदी, आजकल आमों को जल्दी पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इससे सहज पके आम के से गुणों में कमी हो जाती है और इसके स्वाद में भी स्वाभाविकता नहीं होती। पत्ते, कागज, फूस में पके आम इसकी अपेक्षा अच्छे होते हैं। पके आम में विटामिन ए, बी, सी, क्षार, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व होते हैं। 100 ग्राम वजन के पके आम में 50 से 60 तक की कैलोरीज होती हैं। शाबाश शिवानी, आप क्या बताएंगी? सुश्रुत ने आम को हृदय और फेफड़ों के लिए हितकारी और शरीर को पुष्ट करने वाला कहा है। यह स्मरण शक्ति बढ़ाता है। आयुर्वेद में कच्चे और पके आम के अतिरिक्त इसके बौर, गुठली, छाल आदि का औषधीय उपयोग बताया गया है। कच्चे आम का पत्ता लू लगने पर दिया जाता है। गुठलियों के चूर्ण को गेहूं, जौ या चने के आटे के साथ मिलाकर रोटी बनाते हैं। संभवतः इसीलिए आम के आम, गुठलियों के दाम वाली लोकोक्ति प्रसिद्ध है। अरे वाह, बहुत अच्छी। वीरा, आप क्या बताना चाहेंगी? बौर लगने से फल उतरने तक यदि वर्षा अधिक होती है तो आम की फसल को हानि पहुंचती है। देश के अलग अलग भागों में तापमान भिन्न भिन्न होने के कारण आम अलग अलग समय पर फसल देता है। सबसे पहले बौर लगने का क्रम दक्षिण भारत से आरंभ होकर बाद में उत्तर भारत की ओर आता है। मद्रास, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मार्च में ही आम मिलने लगता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जून, जुलाई में आम